अस्सलाम वालेकुम मुलानो, आज आपल्या वर्गात चाचणी आहे हिंदी मराठीची। आपके क्लास में हिंदी मराठी का चाचणी आहे। पहिला प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक एक, पंक्ती पूर्ण करा। कविता की पंक्ती दी हुई है, बूंदों ने प्यार दिया, आगे फिर यहाँ पे सूरज रखवाला है। इस तरह से ये पंक्ति आपको पूरा करना है। फिर लय युक्त शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे चार शब्द दिए हुए हैं, उसमें से लय युक्त शब्द यानी एक ही लय के शब्द, जैसे मैं एक बता दूं आपको, बाली थाली, तो वो ये दोनों यहाँ पे आपको लिखना है। प्रश्न तीन है, दिए चित्र देखकर उनके नाम लिखो। यहाँ पे तीन चित्र मैं दे रही हूँ आपको, एक दो और ये तीन, तो आपको उसके नाम उधर आगे लिखना है। आगे प्रश्न चार है, समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लगाओ। शब्द मित्र, आकाश, क्षण, उसका समानार्थी शब्द सामने है गगन, पल और दोस्त, तो जिसका जो समानार्थी एक जैसे अर्थ वाले शब्द है उनकी आपको जोड़ी लगाना है। कविताची, अभी यहाँ से मराठी का पेपर शुरू होता है, कविताची ओड़ी पूर्ण करा। रंग आपुला वेग वेगड़ा, आगे क्या आएगा वो आपको लिखना है। नंतर का प्रश्न है, समानार्थी शब्दाचे पुढ़े खुण करा। तर झाड़, झाड़चा समानार्थी शब्द कोणता है, या दोन पैकी तुम्हाला एक शब्द मरके चौकनात खोड करायचा है, खुण करायचा है। नंतर दुसरा शब्द है आकाश। आता इकडे प्रश्न सात, विरोधाती शब्द शोधून लिहा। शब्द आहे स्वच्छ आणि भरधाव। आणि इकडे मी दो शब्द पण दिलेले आहे, ते शब्द मध्ये कोणता शब्द इकडे येणार, कोणता इकडे येणार, तुम्हाला ते शोधून लिहायचं आहे। दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहा। इधर मैंने उर्दू में मतलब लिख लिए हैं, आपको इसका सही मतलब, जैसे औषध आणि कावळे, तर कोणता सही शब्द आहे, कौन सा सही शब्द उर्दू का है, वो जरा आपको ढूंढ के लिखना है। नंतर प्रश्न नौ आहे, रिक्त स्थान पूर्ण करा। लेखक स्कूटराने डैश कडे निघाले होते। दुसरा आहे, दयाळ उडून डैश झाडावर बसला। तर हे शब्द तुम्हाला लिहायचं आहे आणि रिक्त स्थानची पूर्ती करायची आहे। और अगर आपको इस पर्चा जरूर से जरूर हल करना है, और अगर ना आए तो आप एक बार किताब में देखिए, फिर याद कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी ना आए तो आप जब इंशाल्लाह जब हम जूम पर ऑनलाइन मिलेंगे तब आपको मैं अच्छे से और समझा दूंगी, तो आप खुद से कर सकेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।